आना तो बहुत दूर की बात है, मुख्यमंत्री ने एक फोन तक करना जरूरी नहीं समझा कि फोन करके हालचाल पूछे, और उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री को विश्वास नहीं होता तो जिन प्रधानमंत्री का आशीर्वाद देने के लिए निरंतर उनके मंच पर जाकर मुख्यमंत्री खड़े रहते हैं, उन्हीं प्रधानमंत्री से पूछ लेना पापा के बारे में, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री जी दिन रात पापा के साथ खड़े हुए थे। सासाराम के अपने संबोधन में जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि रामविलास पासवान जी अपनी अंतिम सांस तक मेरे साथ थे, और मैं बहुत विनम्रता से मैं इस बात को कबूल करता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री भी पापा की अंतिम सांस तक उनके साथ खड़े हुए थे। जिस दिन पापा का निधन हुआ उस दिन सुबह भी उनके निधन से 6 घंटे पहले मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई। जब से पापा आईसीयू में गए हैं तब से लेकर उनकी आखिरी सांस तक कोई दिन ऐसा नहीं था जब प्रधानमंत्री जी का दिन में मुझे 2 बार फोन नहीं आता। सुबह करते थे, शाम को करते थे, और ना से पापा का हालचाल पूछते थे, बताते थे मुझे कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, डॉक्टर्स क्या सुझाव दे रहे हैं, बताते थे कि एम्स के डायरेक्टर से मेरी ये बात हुई, गुलेरिया जी से ये बात हुई, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, सारी जानकारी प्रधानमंत्री मुझे देते थे जब मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को पता भी नहीं था कि उनके हालात क्या हैं। और आज उनके नेता क्या बोल रहे हैं कि भैया वो क्या साजिश थी, क्यों नहीं उनको मिलने दिया गया, एक बार तो आप प्रयास करते मिलने का। इनके सहयोगियों की तरफ से कहा जाता है थोड़ी तो संवेदना रखिए, इनके सहयोगी कहते हैं कि रामविलास पासवान जी के निधन से अब अगर सबसे ज्यादा खुशी किसी को होगी तो चिराग पासवान को होगी। ये संवेदना आपकी राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा कि आप ये भी भूल जाएंगे कि अभी 1 महीना नहीं हुआ मेरे पिता के निधन को आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और मेरी चिंता तो छोड़ दीजिए, मैं तो आपका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ, मेरे घर परिवार वालों का सोचिए, मम्मी है घर पे, मेरी बहनें हैं, बच्चे हैं घर पे, सब हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब वो बार बार उनके जख्मों को कुरेदा जाता है आपकी तरफ से, इस तरीके के वीडियो निकालकर, इस तरीके की बातें सामने कर। और मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, ये चुनाव का समय चल रहा है, जनता सब देख रही है और जनता सब इवैल्यूएट कर सकती है, सारी बातें बिहारी आज की तारीख में समझ सकते हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं बचे। माझी जी से मैं आग्रह करूंगा कि माझी जी स्पष्ट करें कि क्या मेरी उनसे फोन पे बात नहीं हुई थी। माझी जी जब पापा अस्पताल में थे, माझी जी का फोन आया था, सारी जानकारी मैंने उनको दी थी, और बताए माझी जी कि क्या मैंने स्पष्ट तौर से नहीं कहा था कि पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बल्कि मैं उस दिन भावुक भी बहुत था फोन पर, और उनसे बात करते करते मेरा गला भी भर आया था जब मैं उनसे बात कर रहा था, पूछेगा माझी जी से अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। और माझी जी को स्पष्ट तौर पर मैंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है, स्थिति ज्यादा खराब है, स्थिति नाजुक है। और उसके बाद क्या किया माझी जी ने, आज जो उनके प्रवक्ताओं और उनके नेताओं को या माझी जी को जो इतनी चिंता हो रही है, क्या उसके बाद दोबारा कभी माझी जी ने फोन कर उनके हालचाल जानने की कोशिश की, क्या माझी जी दिल्ली आए उनसे कभी मिलने के लिए, क्योंकि ये उस वक्त की बात है, उसके बाद भी पापा कम से कम हफ्ता 10 दिन, दिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसके बाद भी पापा हफ्ता 10 दिन कम से कम अस्पताल में थे, जीवित थे। उस दौरान क्या किया माझी जी ने, और आज इस तरीके से बात कर रहे हैं, इतनी चिंता उस वक्त क्यों नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है उसके ऊपर सब राजनीति करने को तैयार है, जब तक वो जीवित थे क्यों नहीं कोई आया उस वक्त, क्यों नहीं माझी जी आए उस वक्त मिलने।